अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये मैथ से क्लास 7 की जिसका यूनिट नंबर 3 एक्सरसाइज 3.4 जिसका पार्ट 3 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 to 16। तो 5 सवाल इसके और करेंगे, तो 11 क्वेश्चन तक मैंने कर दिया था। लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से इसको अच्छे तरीके से देख लें। तो क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स एज डेसिमल्स, आल्सो इंडिकेट वेदर ईच इज टर्मिनेटिंग आर रिकरिंग। कह रहा है इनको डेसिमल में जो है करें और फिर बताएं कि ये टर्मिनेटिंग है या रिकरिंग है। यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग भी आ रहे हैं, तो ये टर्मिनेटिंग और रिकरिंग कह रहा है। और बुक में जो किताब सिर्फ ऊपर जो जवाब आ रहा है वही दे रहा है, कोई बता नहीं रहा कि ये टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेट, जो मेरे पास बुक है। सॉल्यूशन करते हैं, तो ये 46 है, इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पे 39 के साथ। तो देखें, पहले ज़ीरो की टेबल लगाएंगे और ज़ीरो का ये 0 0 हो जाएगा, फिर 39 का 39। अब टेबल नहीं जा रही, यहाँ पॉइंट दे देंगे, यहाँ पे 0 हम बढ़ा देंगे। अब टेबल जाएगी यहाँ पे 8 टाइम जाएगी, 8 की टेबल 6 पे। ये देखें, पहले आदत को छोड़ दें तो 4 की टेबल यहाँ पे 39 पे 9 टाइम जाएगी, लेकिन 9 अगर लगाएं तो 9 6 द 54, फिर 5 बचेंगे, 9 4 द 36 एंड 5 41 बढ़ जाएगा। तो 8 मरतबा करेंगे, 8 6 द 48 हासिल, 4 8 4 द 32 एंड 4 36। तो देखें, 290 में से 268 निकल जाएंगे, तो यहाँ बचेंगे हमारे पास 22। फिर यहाँ पे 0 एक और बढ़ा दें, फिर यहाँ पे टेबल जाएगी 4 टाइम्स करके देखेगा, 4 6 द 24 हासिल 2 एंड 4 4 द 16 एंड 2 18। तो ये देखें, नज़दीक तरीन ये चलेगी, क्योंकि ये अदद जो है ना बड़ा होना चाहिए, जहाँ ये जो रिमाइंडर बचे तो एक इधर 10 10 में से 4 गए, ये बचे 6, इधर बचे 21 21 में से 18 गए, ये 3। ये देखें 36 छोटा है 46 से, फिर 0 बढ़ा दें और फिर जो टेबल जाएगी वो जाएगी 7 टाइम्स, 7 6 द 42 हासिल 4 7 4 द 28 एंड 4 32। तो ये 322 हो गया, यहाँ 10 10 में से 2 गए, ये बचे 8, और यहाँ पे 5 बचे, 5 में से 2 गए, ये 3, 38 बचे। तो ये देखें, ये चलता हुआ जा रहा है, फुट नहीं रहा और इधर अदद बच रहे हैं रिमाइंडर पे, तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग नहीं है। तो बुक में अगर देना चाहिए था, बुक में तो इस तरह के आंसर बने हुए हैं, ठीक है। उसने और ज़्यादा किया है, 7 8 डिजिट तक किया है, तो मैंने 3 तक करके इसको छोड़ दिया, तो पता चल गया कि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग है, रिकरिंग नहीं है। तो यहाँ पे इसको करते हैं सॉल्यूशन, ये आ जाएगा 49, इसको डिवाइड करेंगे 50 के साथ, तो ये देखें -3 का -3 रहेगा, फिर नहीं जा रहा, इधर जो है वो पॉइंट दे देंगे, इधर 0 हम बढ़ा देंगे। तो 50 की टेबल जो है वो जाएगी इस पे 9 टाइम्स जाएगी, तो 9 से मल्टीप्लाई करके देंगे, 0 का 0 9 5 द 45। तो ये माइनस करेंगे तो बाकी बचेगा हमारे पास यहाँ पे ये 40, और ये 0 बढ़ा दें तो 400 पे इसकी टेबल जो है वो 8 टाइम जाएगी, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, तो ये हो जाएगा 400। तो ये पूरी टेबल जो है वो लग गई, यहाँ कुछ भी नहीं बचा, तो इसका मतलब है कि ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, इसको भी करते हैं सॉल्यूशन। तो यहाँ पे 45, यहाँ पे 48, ये 2 का 2 लगाएंगे। अब 2 ये 48 की टेबल यहाँ पे नहीं जाएगी, तो ये पॉइंट दे देंगे और यहाँ पे 0 हम बुला देंगे, ये होल नंबर वैसे का वैसा आप लिख लो। तो ये जाएगी 9 टाइम्स टेबल, ये 9 से ज़्यादा नहीं लग सकती, ये पहला दर्द छोड़ दें, 4 की टेबल यहाँ पे लगाएंगे तो 9 से ज़्यादा टेबल हम नहीं लगा सकते, तो 9 की लगाएंगे, 9 8 द 72 हासिल 7, 9 4 द 36 एंड 7 43 हो जाएगा। तो नज़दीक तरीन यही लग रही है, 450 में से 432 चले जाएंगे तो बचेंगे 18,
फिर यहाँ हम 0 बढ़ा देंगे तो 180 हो जाएगा। फिर टेबल जाएगी 3 टाइम्स, 3 8 द 24 हासिल 2 3 4 द 12 एंड 2 14। तो ये देखें, एक इधर 10, 10 में से 4 की 6 और 7, 7 में से 4 की ये बचे 3। फिर यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे और अब टेबल जाएगी 7 टाइम्स, करके देखिएगा। ये देखें, पहला दत निकल गया, तो ये 7 8 द 56 हासिल 5, 7 4 द 28, 28 एंड 5 33। ये देखें, नज़दीक तरीन ये लग गया। अब यहाँ पे ये 24 बचेंगे और फिर हम यहाँ पे 0 बढ़ा दें तो अब जाएगी टेबल यहाँ पे 5 टाइम, तो 5 8 द 40 हासिल 4 एंड 5 4 द 20 एंड 4 24। अब थोड़ा सा एक अदद ज़्यादा किया तो ये टेबल यहाँ पे लग गई। तो ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, टर्मिनेटिंग है, ठीक है। ये डेसिमल में भी तब्दील कर दिया और ये टर्मिनेटिंग में है। तो देखें, अब इसको करते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ पे। तो ये 91 एंड यहाँ पे ये 65, 1 टाइम जाएगी, 65 का 65 लगेगा। इसमें से माइनस करेंगे, एक इधर गया 11 में से 5 गया 6, इधर बचे 8, 8 में से 6 गए, ये हो गए 2। तो यहाँ पे हम 0, ये पॉइंट नहीं जा रहा तो पॉइंट दे देंगे और इधर 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। तो 260 हो गया। तो 260 पे टेबल इसकी पहला दत छोड़ दें तो 6 की टेबल 26 पे 5 टाइम जाएगी, तो 5 5 द ये हो जाएगा, ये 4 टाइम जाएगी, सॉरी स्टूडेंट, 4 टाइम जाएगी, 5 टाइम नहीं जाएगी, क्योंकि पहला दत निकल गया। 6 की टेबल 26 पे 4 टाइम जाएगी, तो 4 5 द 20 हासिल 2, 4 6 द 24 एंड 2 26। तो यहाँ पे ये ख़त्म हो गया। तो ये एक टर्मिनेटिंग है। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 देख लें, सॉल्यूशन करते हैं। ये 153 यहाँ पे माइनस की रकम है और ये 85, और 85 की टेबल यहाँ पे लगेगी 1 टाइम, क्योंकि 2 मतलब बढ़ जाएगा, तो 185 द 85 हो जाएगा। अब ये माइनस करेंगे तो इधर 13 13 में से 5 गए, ये बचे 8 एंड यहाँ बचे 4, एक इधर गया 14, ये हो गया 6। तो यहाँ पे नहीं जा रहा तो इधर पॉइंट दे देंगे और यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे। अब देखें, ये पहला दत छोड़ दें तो 8 की टेबल 68 पे 8 टाइम जाएगी, तो 8 को मल्टीप्लाई करें, 8 5 द 40 हासिल 5, 8 8 द 8 5 द 40 हासिल 4 एंड 8 8 द 64 4 ये हो जाएगा 68। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, तो इसका मतलब है ये एक टर्मिनेटिंग है। तो ये था आज का पार्ट जो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पार्ट तक लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।